नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय है गिफ्ट डीड और विल। देखिए, बहुत से माँ बाप रहते हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का जो बंटवारा करना होता है वह वो विल द्वारा अपने बच्चों में उनके प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देते हैं। देखिए, विल द्वारा प्रॉपर्टी का बंटवारा करना एक सही बात है, कानून के मुताबिक भी सही बात है, लेकिन मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। देखिए, अगर आपके बच्चों पर आपको पूरा भरोसा है तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वह गिफ्ट द्वारा आप आपके बच्चों को दे सकते हो। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी जो है वह अगर गिफ्ट कर दी तो उसके बाद आपके बच्चे आपको नहीं देखेंगे, तो विल करना हमेशा बेहतर होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, हम जब विल बनाते हैं तो वह प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता है, यानी उस प्रॉपर्टी जो हमने विल द्वारा जिन बच्चों को जिसे भी देना है उस व्यक्ति को, जब हम विल द्वारा कोई प्रॉपर्टी देते हैं उस वक्त वह प्रॉपर्टी डायरेक्टली उनके नाम पे नहीं होती है या ट्रांसफर नहीं होती है, यानी विल जो होती है वह एक सर्टेन इवेंट होने के बाद होती है। आपको पता ही होगा, जो व्यक्ति विल बनाता है उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद वह प्रॉपर्टी उनके परिजन जिनके नाम पे उन्होंने विल बनाई है उस व्यक्ति के नाम पे या उन व्यक्तियों के नाम पे वो प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय में प्रोबेट करने के बाद ट्रांसफर होती है। देखिए, अगर प्रोबेट ना हो विल का तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। इसलिए देखिए, अगर आपने विल बनाई तो वो विल का प्रोबेट करना अनिवार्य है, वह विल का प्रोबेट करना जरूरी है, और वो प्रोबेट करते वक्त प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है उस मुताबिक कोर्ट की सर्टन फीस होती है, वो कोर्ट फी भरनी होती है, उसके बाद वो प्रोबेट पर कोर्ट माननीय न्यायालय आदेश करता है। देखिए, यह बहुत कानूनी प्रक्रिया है, और अगर प्रोबेट में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो वह प्रक्रिया लंबी हो जाती है, उसे थोड़ा वक्त लग जाता है। तो देखिए, इंसान उसके पश्चात उसको मतलब उसके गुजर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसके नाम पे हो वह विल द्वारा डिसाइड करता है, लेकिन वो विल माननीय न्यायालय में प्रोबेट की जानी जरूरी होती है। प्रोबेट के बाद ही वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पूरी तरह होता है, विल बनाने से प्रॉपर्टी का डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, यह वीडियो द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, वही बात अगर गिफ्ट की हो तो गिफ्ट के वक्त आपके परिवार में जिस व्यक्ति को आपकी प्रॉपर्टी देना चाहते हो वह प्रॉपर्टी डायरेक्टली जिस वक्त आप गिफ्ट डीड करते हो उस वक्त वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है माननीय न्यायालय में पिटीशन फाइल करने की या कोई सूट फाइल करने की या किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट का कोई भी सवाल गिफ्ट डीड में आता नहीं है। जिस दिन आप गिफ्ट डीड करते हो उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी आप जिसके नाम पे कराना चाहते हो उस व्यक्ति के नाम पे वह प्रॉपर्टी हो जाती है, और आपके पश्चात उस व्यक्ति को कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए, विल में क्या होता है, अगर विल की आपने और आपके बाद आपके पश्चात जिस व्यक्ति के नाम पे आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में जाना होता है, प्रोबेट प्रोसीडिंग फाइल करनी होती है, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है या फिर कोई डिस्प्यूट बढ़ जाता है तो उसे पूरी कानूनी प्रक्रिया से जाने में समय लगता है, और इसमें माननीय न्यायालय के कोर्ट फी चार्जेस भी रहते हैं, वकीलों की फीस रहती है, तो इससे बेहतर गिफ्ट डीड से डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर